तो गाइस द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फाइनल एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां सैम अब कैप्टन अमेरिका है, शैरन शायद एक स्क्रल है और बकी को अपना क्लोजर मिल ही गया। इस एपिसोड में वो सब कुछ हुआ जो हम फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऊपर से पिछले सारे एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी फास्ट पेस था। कैरेक्टर्स ने अपने आप को रिडीम किया, कैरेक्टर्स ने अपने डर का सामना किया, कैरेक्टर्स आखिर वो बन के सामने आए जिनकी लोगों को जरूरत थी। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स थोड़े से अजीब जरूर बिहेव कर रहे थे। इन सब के ऊपर ये एपिसोड पिछले एपिसोड से भी छोटा निकला, लेकिन मजा हमें उतना ही आया। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फाइनल एपिसोड का। ये साल डिज्नी प्लस की सीरीज की वजह से जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरऑल कैरेक्टर्स को पिछले एपिसोड में क्लोजर मिल ही चुका था, लेकिन फाइनल शोडाउन इस एपिसोड में हुआ, वो भी जबरदस्त। सबसे पहले बात करते हैं सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के बारे में। अगर सैम ओरिजिनली शील्ड को अपने पास रखकर खुद को कैप्टन अमेरिका कहता तो सही में बात थोड़ी अजीब तो जरूर लगती, पर इस सीरीज में हमें असली ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की, कि स्टीव रॉजर्स ने क्यों उसे अच्छा इंसान कहा और उसे अपनी पोजीशन के लिए चुना। और इस एपिसोड में सैम ने प्रूव किया कि क्यों उसे ही कैप्टन अमेरिका होना चाहिए। उसने कई सारे लोगों की जान बचाई, उसने कार्ली को जान से नहीं मारा पर वो उसे समझाने के लिए पीछे भी नहीं हटा, उसने जीआरसी को पुश किया सबके लिए एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए, वो सही के लिए खड़ा रहा चाहे दूसरे या अपने उसके बारे में कुछ भी सोचें, उसने सब हो जाने के बाद भी लोगों की मदद करी और लास्ट में उसने आईसीआर को वो रिस्पेक्ट दिलवाई जिसका वो हकदार था। ये है पहचान असली कैप्टन अमेरिका की। और ये सूट कितना कॉमिक एक्यूरेट है ये तो आप कॉमिक्स देखकर समझ ही सकते हो। हालांकि इन सब के बाद मेरा एक ही सवाल है कि क्या आप कैप्टन अमेरिका को लोन मिल सकता है। इन सब के ऊपर इस बार सुपर सोल्जर वर्सेस सैम विल्सन फाइट बहुत ही अलग दिखी। सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को नए वाइब्रेनियम विंग्स मिले हैं और ये विंग्स ही वो एज हैं जो कि सैम को चाहिए थे सुपर सोल्जर्स या किसी भी बिग थ्री से निपटने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सैम जॉन वॉकर का सामना नहीं कर पा रहा था, और इस एपिसोड में हमने देखा कि सैम की जबरदस्त ट्रेनिंग और नए विंग्स के साथ अब वो रेडी है किसी से भी निपटने के लिए। प्लस वो स्टीव रॉजर्स की तरह हार नहीं मान रहा था। एक पल को तो मुझे लगा कि हमें आई कैन डू दिस ऑल डे वाला डायलॉग फिर से सुनने को मिलेगा, और इसीलिए एपिसोड के एंड के टाइटल कार्ड पर अब फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की जगह कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर लिखा हुआ था। हालांकि विंटर सोल्जर बकी का हाइड्रा बेस्ड कोड नेम था और उसे भी अपने रिडेम्पशन के बाद एक नया नाम मिलना चाहिए, बस विंटर सोल्जर नहीं। यहाँ विंटर सोल्जर की जगह बकी या व्हाइट वुल्फ रहता तो भी सही लगता। हालांकि जैसे कैप्टन अमेरिका ने अपने जबरदस्त स्पीच से पॉलिटिशियंस के एक्शन को बदला, वैसा अपनी असली दुनिया में नहीं होता। बात करें बकी की तो उसकी दूसरी एपिसोड की फेल्ड सुपर हीरो लैंडिंग इस एपिसोड में पास हो गई और उसने नाकाजीमा को उसके बेटे की सच्चाई बताई और उस लिस्ट के सारे नाम काट ही दिए, जिसका मतलब उसने सबसे माफी मांग ली है। हालांकि यहाँ मुझे नोटबुक को देखकर कुछ अजीब लगा और मैंने वापस पहले एपिसोड को देखा। पहले एपिसोड में बकी ने सेनेटर एटवुड का नाम उन्हें पकड़वाने के बाद लेफ्ट पेज पर काटा था, और वहां से मुझे लग रहा था कि लेफ्ट पेज पर उन लोगों के नाम हैं जिनको बकी को पकड़वाना है। यहां जीमो का भी नाम था जबकि उस टाइम वो जेल में था। प्लस राइट साइड उन लोगों के नाम थे जिनसे उसे माफी मांगनी थी, जैसे यहां नाकाजीमा का नाम था, पर अब एटवुड का नाम उसके नोटबुक में राइट साइड आ गया है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि मार्वल अपनी कंटिन्यूटी पर बहुत ध्यान देता है, पर मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। उन्हें लगा हमें पता नहीं चलेगा पर हमें चल गया। प्लस कार्ली ने जब बकी से पूछा कि उसने कभी अपने से बड़ी चीज से लड़ाई की है, हम सभी फैंस के दिमाग में एक ही जवाब आया, हाँ बिल्कुल, इस भाई ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा है। उससे भी अगर कोई हैरान नहीं होता तो ये भाई इन्फिनिटी वॉर तक लड़ चुका है। बात करें जॉन वॉकर की तो इस एपिसोड में जॉन वॉकर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो शुरू से हमें दिखता आया है। उसका खुद पर कंट्रोल था, उसने एक पॉइंट पर फ्लैग स्मैशर्स को मारने के बजाय लोगों को बचाना जरूरी समझा, और लास्ट में उसने अब्राहम लिंकन का कोट बोलकर फ्लैग स्मैशर्स को ही नहीं हमें और बकी को भी हैरान कर दिया। और क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स में इवेंट्स जल्दी जल्दी हो रहे थे, इसीलिए हमें जॉन वॉकर का ये साइड अभी दिखाया गया। हालांकि ये ज्यादा बेहतर होता अगर हमें उसकी सिविलियंस को लेकर चिंता पहले दिखती। कॉमिक्स में उसका मेन मोटो यही था, आम जनता की मदद करना, वो साइलेंट मेजॉरिटी जिनकी लाइफ सुपर वायलेंस की वजह से खतरे में आती रहती है। हालांकि अब जब जॉन वॉकर यूएस एजेंट बन चुका है, अब शायद उसको एक वाइब्रेनियम शील्ड दी जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था पिछली उसकी खुद की बनाई हुई शील्ड तुरंत ही पिचक गई। प्लस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें आर्मर वॉर सीरीज में दिखेगा, क्योंकि यूएस एजेंट बनने के बाद जॉन वॉकर आयरन मॉन्गर से लड़ने ही गया था, जिसके साथ साथ वो और विजन वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स को भी ज्वाइन करते हैं।
इन सब के ऊपर जीमो ने भी वो कर ही दिया जिसके लिए वो जेल से निकला था। उसने अपने बटलर के थ्रू बाकी बचे फ्लैग स्मैशर सुपर सोल्जर्स को मरवा ही दिया और उसके एक्शन का सपोर्ट वैलेंटिना डी फोंटेन ने भी किया, जो कि कहीं ना कहीं इशारा है कि थंडरबोल्ट्स या डार्क एवेंजर्स का सेटअप वेल ही करेगी और मोस्ट प्रोबेबली उसमें हमें जीमो और यूएस एजेंट एक साथ दिख सकते हैं। अब आते हैं शैरन कार्टर की तरफ। ये बात सबको एपिसोड 3 से लगी रही थी कि शैरन ही शायद पावर ब्रोकर है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये बात थोड़ी अजीब जरूर है। अगर शैरन पावर ब्रोकर थी ही तो उसने सैम बकी और जीमो पर बाउंटी क्यों निकलवाई? फिर उसने उन्हें खुद ही बाउंटी हंटर से बचाया, प्लस अगर वो ही डॉक्टर निगल से सुपर सोल्जर सीरम बनवा रही थी तो वो सैम बकी और जीमो को डॉक्टर निगल के पास क्यों लेकर गई? प्लस मैड्रीपुर पर अगर उसका राज था ही तो वो वापस अमेरिका क्यों आना चाहती थी? यहाँ कोई एक चीज तो है जो ठीक नहीं बैठ रही और ऐसा लग रहा है कि शैरन एक स्क्रल है जो कि सिस्टम में घुस के प्लैनेट को इन्फिल्ट्रेट करना चाहती है, जैसा कि सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में हुआ था। बात हो रही है सीक्रेट इन्वेजन की, तो गेम ऑफ थ्रोन्स की जबरदस्त एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क को सीक्रेट इन्वेजन के लिए लिया गया है, जिसमें हमें सैमुअल एल जैक्सन और बेन मेंडेलसन भी दिखेंगे। प्लस यहाँ शैरन ने वैसा ही फोटोस्टैटिक वेल पहन रखा था जैसा हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में नताशा रोमानोफ को पहने हुए देखा था। इन सब के ऊपर हमारा शक सही निकला, शैरन ने कार्ली पर नजर रखने के लिए ही बैटरॉक को हायर किया था। तो अब मुझे लगता है कि जितने सुपर ह्यूमन अटैक न्यूयॉर्क में हो रहे हैं उस हिसाब से न्यूयॉर्क के लोगों को एक जबरदस्त इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए। हल्क और एबोमिनेशन की फाइट, चितौरी इन्वेजन, ब्लैक ऑर्डर का अटैक, अभी जीआरसी पर सुपर सोल्जर्स का अटैक, ऐसे केस में तो लोगों को न्यूयॉर्क में रहना ही नहीं चाहिए। स्टीव रॉजर्स मून पर हैं और ये बात एक बार नहीं दो बार बोली गई है, जिसका मतलब शायद स्टीव रॉजर्स जिंदा हैं और हमें आगे कभी ना कभी जरूर दिखेंगे, जैसा कॉमिक्स में भी हुआ था। कॉमिक्स में क्या बूढ़े होने के बाद शील्ड कमांडर बन जाते हैं और सैम उनकी जगह लेता है कैप्टन अमेरिका बनके, तो शायद यहाँ भी बूढ़े स्टीव रॉजर्स स्पेस में या मून में द पीक के कमांडर बने हुए हों। लास्ट में मिड क्रेडिट सीन में यूएस गवर्नमेंट शैरन कार्टर को पार्डन तो दे ही रही थी, प्लस उसे इस बीच एजेंट कार्टर भी कहा गया। एजेंट कार्टर शैरन की आंट पेगी कार्टर का फील्ड नेम था। पर इन सब के साथ साथ मैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी एक्सपेक्ट कर रहा था टॉरिस के फैल्कन विंग्स को रिपेयर करके पहनने को लेके, पर वो कहानी ऐसे ही छोड़ दी गई। तो अब जब कुछ चीजें पूरी हुई और कुछ कहानियां ओपन एंडेड हैं, उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर का दूसरा सीजन दिख सकता है। जीमो की पॉपुलैरिटी और वायर ट्रसल की जबरदस्त एक्टिंग के बाद मार्वल इन दोनों पर इन्वेस्ट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो थंडरबोल्ट्स या डार्क एवेंजर सीरीज में जीमो और वॉकर का दिखना पक्का है। प्लस शैरन को या तो आगे आर्मर वॉर्स में दिखाया जा सकता है या वो हमें सीक्रेट इन्वेजन में दिख सकती है। इन सब के ऊपर नए कैप्टन अमेरिका को मूवी में एवेंजर्स को लीड करते हुए हम सब देखना चाहेंगे, खासकर उस कैप्टन अमेरिका को जो कि उड़ सकता है, और टॉरिस की कहानी अधूरी नहीं रह सकती। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फाइनल एपिसोड का। आपका इस एपिसोड को लेकर क्या रिएक्शन है? प्लस द फ्लैश मूवी का भी लोगो रिवील कर दिया गया है उसकी रिलीज डेट के साथ, पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को कॉमिक्स में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।